Our next president, Hillary Clinton. हिलरी क्लिंटन की राजनीतिक जिंदगी की ये सबसे अहम रात थी। अमेरिका अपनी पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार से रूबरू हो रहा था। ये उन मौकों में से था जब लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, रोएं खड़े हो जाते हैं। मैं राष्ट्रपति पद के लिए आपकी उम्मीदवारी स्वीकार करती हूँ। लेकिन उनके सामने चुनौती थी उन लोगों का दिल जीतने की जो उनके तजुर्बे की तो दाद देते हैं लेकिन उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं कि वो ओबामा या बिल क्लिंटन की तरह एक मंजी हुई सियासतदान नहीं है और यहाँ बहुतों को लगता है कि वो एक मुखौटे के अंदर से रटी रटाई हुई बातें करती हैं और ये मौका था उस सोच को बदलने का, दिल से बात करने का। उन्होंने अपनी निजी कहानी लोगों के सामने रखी, पूरे अमेरिका को साथ लेकर चलने की बात की। I will be a president for Democrats, Republicans, मैं डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, निर्दलीय, संघर्ष कर रहे लोग, सफल लोग जो मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे, मैं सभी अमरीकी लोगों की राष्ट्रपति बनूंगी। उन्होंने नई नौकरियों की बात की, सबको बराबरी का हक देने की बात की और कहा कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो क्या असर हुआ लोगों पर, क्या सुना उन्होंने इस ऐतिहासिक रात में? सबसे खास बात ये लगी कि हिलरी क्लिंटन को जिस तरह पेश किया जाता है, हार्टलेस वुमन और पॉलिटिकल मैनिपुलेटर, वो कुछ हद तक उन्होंने आज वो उनकी अपनी जो इमेज है उसको शैटर किया। Absolutely nothing has changed. कुछ नहीं बदलेगा, राजनीतिक क्रांति जारी रखनी होगी। She's ready to win. वो जीत के लिए तैयार हैं, वो अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते क्लीवलैंड में ट्रंप का अमेरिका बिल्कुल सफेद सा था लेकिन हिलरी के अमेरिका में सभी रंग शामिल थे, काले, भूरे, हिंदू, सिख, मुसलमान, हिस्पैनिक। और देखा जाए तो 2016 के इस चुनावी मुकाबले में फैसला भी इसी का होना है कि अमेरिका सिर्फ सफेद रहना चाहता है या फिर सतरंगी। ब्रजेश उपाध्याय, BBC News, फिलाडेल्फिया।